प्रमोद और आप देख रहे हैं दी सड़कनामा .com की राजस्थान चुनाव यात्रा। इस समय मैं मौजूद हूं नोहर विधानसभा क्षेत्र के पल्लू में और आप देख रहे हैं कि भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया है आज और तमाम तस्वीरें भाजपा कार्यालय की हम दिखा रहे हैं, जहां युवा है वो काफी उत्साह के साथ नजर आ रहा है और जो सेल्फी है वो की जा रही है। हम चर्चा करते हैं अभिषेक मटोरिया से। आज जिस प्रकार से भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, ये इस बात का गवाह है कि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो विकास कार्य कराए गए और जो जनता के साथ स्नेह और प्यार हमारा एक रिश्ता है, उसी के बदौलत आज पल्लू कार्यालय के उद्घाटन में हजारों तादाद में युवा साथी और बुजुर्ग आए हैं और निश्चित रूप से ये आने वाले समय में एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव संकेत है। तो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभिषेक मटोरिया इस बार हैट्रिक लगाने वाले हैं। देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमारी तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि हैट्रिक बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बाहर से भी जो समर्थक है वो आ रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए, हरियाणा और पंजाब की बात करें तो पूरे उत्तरी भारत में जहाँ जहाँ युवा साथी हमारी पार्टी से, हमारी रीति नीति से जुड़े हुए हैं और जिनको नोहर विधानसभा क्षेत्र से लंबे समय से किसी न किसी तरीके से जिनका लगाव रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को न केवल नोहर में, पूरे हनुमानगढ़ जिले में, समूचे राजस्थान में जिताकर एक नए तरीके का विकास की गौरव गाथा लिखने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह का जोश है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। उनका कहना है कि अभिषेक मटोरिया है वो इस बार हैट्रिक लगाने वाले हैं। आज पल्लू कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें पल्लू कार्यालय की, जहां अभिषेक मटोरिया उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया है और कहा है कि जो विकास कार्य उनको उन्होंने करवाए हैं, लोग उन्हीं विकास कार्यों को आधार मान करके उनको अपना वोट दें। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।